डिग्री कॉलेज हमीरपुर में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और SFI छात्र संगठनों के बीच फिर जोरदार नारेबाजी हुई। दोनों छात्र संगठनों ने कॉलेज कैंपस के अंदर ही धरना दे डाला। तनाव को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर दोनों छात्र संगठनों को शांत करवाया। वहीं इसके बाद कॉलेज प्रशासन और PTA मेंबर्स ने छात्र संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर कॉलेज में कोई भी राजनीतिक गतिविधि को अंजाम न देने की सख्त हिदायत दी। PTA मेंबर और कॉलेज प्रशासन ने निर्णय लिया कि कोई भी छात्र संगठन पार्टी से संबंधित स्टिकर अपने गले में न लगाए। कॉलेज प्रधानाचार्य हरदेव सिंह जम्बाल ने स्टूडेंट यूनियन को चेतावनी देते हुए कहा कि कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज के CCTV फुटेज में कोई भी छात्र हिंसक और शरारती गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दो तीन दिनों से तनाव माहौल था, बीच में कुछ क्लैशेज हो रहे थे EBP और SFI गुटों में, तो उस संदर्भ में आज इन्हीं के ऑफिस बीरियर के जो कैंपस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं तीनों ऑर्गेनाइजेशन की उनकी मीटिंग यहाँ रखी हुई थी और सुबह ही आते फिर इन्होंने नारेबाजी की जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और अभी हमने जो फैसला लिया है इसमें कि ये जो जितने भी क्लैशेज हो रहे हैं ये पार्टी बेस पर हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन बच्चों का जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसका इस तरह जो माहौल बर्बाद करने की कोशिश कुछ ही एलिमेंट्स कर रहे हैं वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल पढ़ाई का माहौल होगा, एक तो आजकल हॉस्टेल्स भी चले हैं, दूसरे CSCA नॉमिनेशन बेस्ड इलेक्शन भी चले हैं, हम इस प्रोसेस में जुटे हुए हैं और बच्चों से भी हम सहयोग चाहते थे, पर इस तरह के जो ये जो माहौल कुछ ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो सह नहीं होगा। ये कार्रवाई जो भी होगी हम करेंगे। और अभी जो हमने निर्णय लिया जिसमें PTA बॉडी भी थी हमारी, एक तो सबसे बड़ी बीमारी है जो बैज लगाते हैं पार्टी बैज, इसी की वजह से क्लैशेज होते हैं और इसमें कई बार निर्दोष बच्चे भी मारे जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है, तो तुरंत प्रभाव से इसको हमने बंद कर दिया है। कोई भी पार्टी का बैज नहीं लगाएगा। पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो 300 रुपये फाइन रखा है, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक और फैसला हमने लिया वो इन्हीं जो ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी थे उनके साथ मिलकर के PTA बॉडी के सामने के जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है सस्पेंड होते हैं तो हमने देखा कि पेरेंट्स क्यों नहीं लाते, तो आज इन्होंने माना कि हम पेरेंट्स लाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो फिर जो भी कार्रवाई हो सके भी इसके पुलिस को उनको केस भेजे जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें अभी कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारे निर्णय रहा है। और एक और रहा जो पदाधिकारियों ने मुझे भी लिख के दिया, इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर लड़ाई झगड़ा होती है तो ये जो पदाधिकारी हैं इन्होंने इसके बारे में जिम्मेवारी ली है कि सबसे पहले इन्हीं को पूछा जाएगा, ये इन्होंने इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेवारी है कि हम इसके जिम्मेवार होंगे, तो जो भी केस होगा फिर या जो भी कार्रवाई होगी पहले तो यही हम कार्रवाई करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि जो आम बच्चा पढ़ने आ रहा है वो पढ़ाई की तरफ अपना मन लगाए और किसी भय के वातावरण में ना जिए। कॉलेज प्रशासन का और हमारे टीचर का और सभी का यही प्रयत्न रहेगा, प्रयास रहेगा कि जो पढ़ने आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई हो और आगे रहे। गौरतलब है कि दोनों छात्र संगठनों के बीच पिछले 2 दिनों से नारेबाजी का दौर चल रहा है। वहीं ABP छात्र संगठन ने SFI पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे कॉलेज का माहौल खराब हुआ है। धरना प्रदर्शन किया हमने, उसके ऊपर जो SFI जो गुंडागर्दी कर रही थी उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया। जैसे ही हमारा धरना स्टार्ट हुआ SFI के कुछ कार्यकर्ता अंदर से नारेबाजी करने लग गए, उससे कॉलेज का माहौल भी खराब हुआ और हम भी अंदर आ गए। SFI जो गुंडागर्दी कर रही है उसके खिलाफ हमने नारेबाजी करी थी कि हाँ कि कॉलेज प्रशासन में जो बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं उसमें लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं कि ये गुंडागर्दी SFI जो बंद करे, लड़ाइयाँ नहीं करे, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कल SFI वालों ने हमारे खिलाफ धरना दिया और उसमें बहुत हमारे पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाला है, उसी के खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन गेट के बाहर किया और उसी के चलते साथ साथ में उन्होंने कॉलेज कैंपस के अंदर धरना और नारेबाजी स्टार्ट कर दी। कॉलेज प्रशासन ने आज निर्णय लिया है कि
आज के बाद कॉलेज कैंपस के अंदर कोई भी बैच नहीं लेगा, और इस सभी पार्टी के प्रेसिडेंट और सचिव सभी इस निर्णय से सहमत हैं। वहीं एसएफआई का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों के द्वारा लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, जिससे कॉलेज में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। एबीवीपी वालों ने परसों भी लड़ाई की थी कॉलेज में, एसएफआई के कार्यकर्ताओं को पीटा था, जो नए नए आए थे जबरदस्ती बैच लगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो जब वो लड़ाई हुई सॉर्ट आउट करवा रहे थे, तब कुछ एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने फिर अटैक किया एसएफआई वालों के बाहर। फिर आज वही लड़के एसएफआई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे एबीवीपी वाले, अब उसका जवाब देने के लिए धरना प्रदर्शन हमें अचानक करना पड़ा सामने वाले फैंस के लिए। आज जो मीटिंग हुई अंदर, उसका क्या निर्णय रहा? यार, उस मीटिंग में आज जो निर्णय लिया गया है कि किसी भी संगठन का कोई बैच नहीं लगे, हम उस बात से समर्थन देते हैं कि बैच कॉलेज में नहीं लगेंगे। अगर बैच की वजह से कॉलेज का माहौल ख़राब हो रहा है तो बैच बंद होने चाहिए, क्योंकि आम स्टूडेंट जो है जो अगर तंग हो रहे हैं तो बैच बंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।